निश्चित तौर पर पागल खाना में भेज देना चाहिए, उनको तो मुख्यमंत्री से हटा देना चाहिए। और निश्चित तौर पर उन पर पागलपन का दौरा चढ़ गया। और वो एक इतने बुजुर्ग जिस समय उनको भगवान का नाम लेना चाहिए, वो बता रहे हैं कि एक मर्द एक औरत के साथ क्या करता है, उन्हें शर्म आनी चाहिए। उनमें जरा सी भी शर्म होगी तो निश्चित उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और संन्यास दे लेना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा जो बीते दिन विधानसभा में जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर बोली गई बात जो पूरे देश में आग की तरह फैल गई, उन्होंने जो कहा आप इस वीडियो में सुन सकते हैं। लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है, तो रतवा में सुतता है तो सुतता है तो सुतता है तो उसी में लेता है पनिया भी इसमें भी। अब उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुम लगे तो निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके सुना लड़की सब अब सबको समझा रही है, जरा जान लीजिए, लड़की सब सबको समझाती है कि अपने पति को ठीक है बैठिए ना फिर। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं कि उस बात को कहने के बाद उन्हें बड़ी शर्मिंदगी का एहसास होकर उन्होंने माफी मांगा। अगर मेरी कोई बात कहना गलत था तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूँ, इसको हम वापिस करते हैं। लेकिन पूरे देश में विरोध का दौर जारी है, चाहे वो केंद्र स्तरीय पार्टी हो या फिर क्षेत्रीय पार्टी। आज अमात्सु रामगढ़ जिला कार्यालय में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक विशेष वार्ता बुलाई गई। आत्सु के लोगों की मौजूदगी में आज नीतीश कुमार के द्वारा जो इस तरह का बयानबाजी किया गया, भले ही उन्होंने माफी मांग ली लेकिन लोगों के अंदर काफी आक्रोश नजर आ रहा है। यहाँ पर आत्सु पार्टी के विमल बुदिया, अनुपमा सिंह, जो महिला और महिलाओं का खासा इसमें विरोध है, जगह जगह पर पुतले जलाए जा रहे हैं। आप पुतला जलाने के भी नजारे को इसमें देख सकते हैं और विरोध प्रदर्शन के नजारे को भी आप इस वीडियो में देखें 10 सेकंड के क्लिप में कि किस प्रकार से पूरे देश स्तर पे विरोध जारी है। रामगढ़ में हम मौजूद हैं, अनुपमा जी, विमल बुधिया जी से पहले हम बात करते हैं, बाद में नारी शक्ति के पास आएंगे। विमल जी, उस बयान को आपने सुना होगा, माफी भी उन्होंने मांग लिया, किस रूप में देखते हैं आप? देखिए, बिहार के एक संवैधानिक पद मुख्यमंत्री पद पर आज एक देश ही नहीं विदेश में भी उनका नाम है नीतीश कुमार जी का, उसके बाद भी उन्होंने ऐसा अभद्र भाषा एक महिलाओं पर कटाक्ष किया। आज हर बाप जानता है कि मेरा बेटा शादी करेगा तो क्या होगा, उसके बाद उन्होंने इस तरह कटाक्ष करके, वो भी विधानसभा में, आज उनको निश्चित तौर पर पागलखाना में भेज देना चाहिए। क्यों कि इस तरह का सठिया गए वो कि आज विधानसभा में महिलाएं भी बैठती है, महिलाएं विधायक भी हैं, पार्षद भी हैं, उस जगह इस तरह से बात करना निश्चित तौर पर उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। और उनके बहुत तरह बोला जाता है कि वो देश के प्रधानमंत्री के लायक हैं, अरे उनको तो मुख्यमंत्री से हटा देना चाहिए, उनको मुख्यमंत्री के लायक नहीं रह गए वो, इस ऐसे संवैधानिक, और निश्चित तौर पर उन पर पागलपन का दौरा चढ़ गया। बहुत सारे जगहों पर जो है विरोध के साथ साथ उनके इस्तीफे की मांग की जा रही, क्योंकि उनके चिंतन में संतुलन नहीं है, वो विवेकशील नहीं है, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। बिहार भाजपा का जो पोस्ट है उसमें तो डायरेक्ट लिख दिया गया कि वो बी ग्रेड के फॉलोअर्स हैं, इसी कारण से इस तरह का नरगल ब्यात हुआ बोलते हैं। देखिए, जैसा हम लोग वीडियो देखे उस वीडियो के हिसाब से उनको उस संवैधानिक पोस्ट पर नहीं रहना चाहिए, निश्चित उनमें जरा सी भी शर्म होगी तो निश्चित उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और संन्यास दे लेना चाहिए, क्योंकि वो बुढ़ापा में इस तरह मानसिक रखते हैं तो इस तरह का मानसिकता वाले को देश में खतरा है उनसे। माफी मांग लिया उन्होंने? माफी मांगने से नहीं होगा ना, क्योंकि एक बुजुर्ग है वो, एक यंग लड़का नहीं कि किसी को छेड़ दिया और माफी मांग लिए। एक बुजुर्ग से ऐसा उम्मीद नहीं किया जाता है, वो अपने आप को बोलते हैं मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, इन भाई ने बोलता है आज आने वाला प्रधानमंत्री नीतीश कुमार होगा, वो तो मुख्यमंत्री लायक है, विधायक तो क्या एक मुखिया के लायक नहीं होना चाहिए उस आदमी को, इस्तीफा दे देना चाहिए, एकदम देना चाहिए उनको। यहाँ पर अनुपमा जी है और इस मामले में सबसे पहला अगर ज्यादा विरोध देखा गया तो महिलाओं का देखा गया था। अनुपमा जी, आप महिला नेत्री हैं, आत्सु पार्टी के जिला का नेतृत्व करती हैं, आप किस रूप में देखती हैं नीतीश कुमार के इस बयान? मैं भी यही कहना चाहूंगी कि वो मुख्यमंत्री पद पर होते हुए और इतने उम्र दराज होते हुए उन्होंने महिलाओं का इज्जत का ध्यान नहीं रखा, उन्होंने महिलाओं का शर्मसार कर दिया इज्जत को। कौन नहीं जानता कि कोई व्यक्ति अगर शादी करता है तो क्या करता है, क्या उनके घर में माँ बेटी बहन नहीं है? माफी मांग लेने से कुछ नहीं होता है, उन्हें तो मुख्यमंत्री पद से हटा देने की मांग मैं भी करती हूँ। मैं भी क्या, मैं ये सारे बिहार
और सभी देशवासियों से ये आग्रह करूंगी कि इतने मैसेज और कमेंट कीजिए कि उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए और दोबारा मुख्यमंत्री बनने के वो लायक भी ना रहे। माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता है। कोई किसी का मर्डर कर देगा तो क्या वो व्यक्ति जिंदा हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। किस महिला के बारे में, वो किस हर एक महिलाओं को और हर एक पुरुष को पता रहता है कि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे शादी के बाद। और वो एक इतने बुजुर्ग, जिस समय उनको भगवान का नाम लेना चाहिए, वो बता रहे हैं कि एक मर्द एक औरत के साथ क्या करता है। उन्हें शर्म आनी चाहिए इन सब बातों से। भरी विधानसभा में इस तरह का बात उठा रहे हैं। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगी कि उन्हें जल्द से जल्द हटा दिया जाए, उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए। उन्हें किसी तरह का संन्यास में, उन्हें संन्यास ले दिलवा देना चाहिए और उन्हें किसी पद के लायक नहीं रहना चाहिए। तभी बिल्कुल उन्हें माला दे दिया जाए कि वो हर वक्त भगवान का ही नाम लेते रहे। आसाराम बापू वो बन गए हैं। चलिए, तो आपने देखा कि ये जो विरोध की आग है, जो इस तरह का जो उनके द्वारा बयान दिया गया, नीतीश कुमार के द्वारा, जो उनके चिंतन में संतुलन नहीं होने का प्रतीक दिखाता है। भले ही उन्होंने माफी मांग ली, लेकिन उसके बावजूद भी उनके उम्र, उनके पद, उनकी गरिमा का वखान करते हुए पुरजोर पूरे देश में विरोध हो रहा है और उनके इस्तीफा की मांग की जा रही है, क्योंकि वो इस संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और उनको इस तरह का जो शब्द बोला उसके लिए माफी नहीं, उनको इस्तीफा और इस संवैधानिक पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं, ऐसा ही लोगों के द्वारा नारा देते हुए विभिन्न तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। विभिन्न ब्रांडेड कंपनियों के स्पोर्ट्स शूज 10-30% तक के विशेष छूट के साथ, तो आज ही आए गुप्ता फुटवियर, संजय मार्केट, गोला रोड, चट्टी बाजार, बगड़िया ब्रदर्स के अपोजिट, रामगढ़ कैंट, रामगढ़। माँ पीताम्बरा फर्नीचर, सभी प्रकार के फर्नीचर आइटम्स 20% के आकर्षक डिस्काउंट के साथ, तो आज ही आए माँ पीताम्बरा फर्नीचर, अशोका होटल के सामने गली में, लोहा टोला, रामगढ़ कैंट, रामगढ़। संपर्क करें 9 Kadam A Blaze School is nurturing childhood with strong academic foundation. So many extracurricular activities and full of exposure. Awarded as best preschool in Eastern India. Visit your nearest branch, Ranchi, behind Firayalal and Ashok Nagar. In Ramgarh, near Miloni Club, Bijolia, Ramgarh, Kant.